जय माता दी। दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ सेटअप्स को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप है जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और जो मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वो भी यहाँ पे मैंने आज दोस्तों आप लोगों को ये डिस्कस भी करा हुआ था। सुबह में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था ये, जैसे कि बैंक निफ्टी पे नज़र रखूँ, मैंने ये बताया भी था आप लोगों को। और दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को ये वीडियो बना के यहाँ पे दिया हुआ था ये, तो इसमें आप लोग जाके देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स इसके ऊपर डिस्कशन किए हुए थे जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग सीखना चाहते हैं दोस्तों ये उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी तो नॉर्मल ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बाद में हम लोगों ने मैंने यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ट्रेड लिया हुआ था, तो वो मतलब इसमें किस तरह से सेटअप बना हुआ था और क्या बना हुआ था, मैंने ये आप लोगों को आवरली चार्ट के हिसाब से उस दिन मैंने समझाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसको 5 मिनट के चार्ट पे समझाऊंगा। और ये वीडियो दोस्तों पूरा फ्रेश आपको कंटेंट है, इसमें पूरा मतलब जो लेवल्स वगैरह सब इसमें नहीं रहेंगे, कल वैसे भी छुट्टी है तो इसमें लेवल्स वगैरह सब नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सेटअप्स वगैरह सब। और कल जो मैंने परसों जी मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में कुछ सेटअप्स डिस्कस किए हुए थे, सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप में हम लोग वो जो पोजिशंस बनता है, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो हम लोगों का यहाँ पे एक था कि यहाँ से लेके, देखिए मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया कर दिया था, तो यहाँ पे ये इसमें नज़र रखो, यहाँ पे ये देख लीजिए ये लेवल पे मार्केट सिमेट्रिकल टाइप बना रहा था। तो आप लोगों को यहाँ पे याद होगा मैंने सिमेट्रिकल टाइप में आप लोगों को क्या बोला था, कि आप लोगों को ये बोला था, मैं एक बार इसको क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक बार जो है इसको थोड़ा मतलब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोग थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये सेटअप्स को डिस्कस करता हूँ। अब ये नहीं कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना हुआ है, इसमें कुछ और भी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने में, आपको यदि एक बार समझ गए ना तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगा, आप सुबह के मोमेंटम को जो है कैप्चर कर सकते हैं, या फिर सुबह में जो ओपनिंग होते हैं उस मोमेंटम को आप पकड़ने, कैंडल्स के हिसाब से आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि कैंडल स्टिक्स वो नहीं, कैंडल्स के हिसाब से कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ क्या चल रहा है मार्केट में, उसको आप एब्जॉर्व कर सकते हैं इसके बेस पे। तो ये दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अभी मार्केट दोस्तों रनिंग है, अभी चल रहा है मार्केट, यहाँ पे अभी हो रहा है आपको 1:09 हो रहा है आज का तारीख, ये सुबह देख लीजिए, तो अभी मार्केट रनिंग है। अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पे याद होगा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था उस वीडियो में, ये भी एक सेटअप है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। देखिए ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कि मान के चले कि ये इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनता है, या कोई भी पैटर्न्स इस तरह से यहाँ पे बनता है। अब हम लोगों को इसमें ट्रेड कैसे लेना है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो इसमें हम लोगों को ट्रेड तब लेना होता है, देखिए अभी आप लोग यहाँ पे सोचिए कि ऊपर से मार्केट यहाँ पे देखिए, इसने एक ऊपर में आप लोगों ने सिमेट्रिकल का वीडियो देखा होगा, मैंने उस चैनल पे अपलोड करा हुआ है, तो ये देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, उधर से ऊपर से लो बनाते जा रहा है, और नीचे से आप देखेंगे तो इधर से ये हाई बनाते जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से ये लोअर है, इसको शायद हम लोग बोल सकते हैं, इसको लोअर है बोल सकते हैं शायद, नहीं तो भी है, आप लोग देखिए, आपको नॉलेज देना है, बस नॉलेज को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है ना हम लोग इधर से देखिए, इधर से जो है हाई बनाते जा रहा है, नीचे से हाई बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या, और ऊपर से लो बनाते जा रहा है, तो ये इस तरह से सिमेट्रिकल का फॉर्म यहाँ पे क्रिएट होता है। तो इस लेवल में हम लोग क्या करते हैं, इंट्री हम लोगों को कहाँ पे लेना होता है, जब हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो देखिए उसमें हम लोगों को क्या होता है, जब बैंक निफ्टी का हम लोगों को ट्रेंड पता होता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का, कि इसका ट्रेंड डाउन का है, तो हम लोगों को वहां पे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लेवल पे, जैसे मार्केट मान चले कि हम लोगों ने ये लेवल निकाल लिया, जो मैंने आप लोगों को लेवल सिखाया हुआ है प्रीवियस का वीडियो को जरूर देख लीजिए, मान चले कि ये हमने लेवल निकाल लिया, ये हमने हमारा ये लेवल था कि बैंक निफ्टी का, ये दो लेवल हमने निकाला। लेवल निकालने के लिए दोस्तों आपको जो ये डेट वाले वीडियो है, आपको नहीं पता तो ये डेट वाले वीडियो जितने आप ये दो चार वीडियो आप देख लेंगे डेट के, तो मैं डेली इस वीडियो में लेवल निकालने के लिए सिखाता हूँ, आप नए हैं तो आप एक बार ये वीडियो को देख लीजिए कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे लेवल निकालते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे ना डब्ल्यू डी ज्ञान के थ्योरी को यूज करते हैं लेवल्स के तौर पर, लेकिन आप जब देखिए, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका वो काम नहीं करता या फिर हम लोगों का ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, ऐसा नहीं है। आपका जब मतलब आपको यूज करने का क्या, मतलब किस हिसाब से आप यूज कर रहे हैं, क्या आप अपने मतलब यूज स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मार्केट में जो भी लेवल्स है ना, आप सब लेवल्स को वहां पे ड्रॉ करके चेक करिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आप यदि कोई सेटअप के साथ करेंगे ना प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को मिला के, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा।
तो मैं देखिए काफी लोग WD ज्ञान का यहाँ पे यूज करते हैं लेवल्स को। अब मैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से लेवल्स निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत आसान है लेवल निकालना, इतना वो भी नहीं है, दो चार वीडियो देखेंगे तो सीख जाएंगे आप लोग। तो जैसे मान चले कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी का ये एक रेंज था, बैंक निफ्टी का मान चले कि ये साइडवेज रेंज था, तो हम लोगों ने निकाला कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो कल को क्या हुआ बैंक निफ्टी में, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए कल को क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हम लोगों को ये चीज़ पता था कि ज़्यादातर स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में कहाँ है, मान चले कि ऊपर का। हम लोगों को ये पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, आवरली चार्ट में अप ट्रेंड है। तो हम लोग सिंपल सा है कि आवरली चार्ट में भी अप ट्रेंड में है और मार्केट ये यहाँ से ऐसे नीचे से यहाँ तक मार्केट आया हुआ था और मार्केट यहाँ से ऊपर चले आया यहाँ पे। एक बार मैं इसको जो है थोड़ा अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ब्लैंक में, तो आप लोगों को थोड़े और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। ये लेवल में अभी देखिए, जैसे ये देखिए अभी ये हम लोगों ने इस तरह से एक लेवल निकाल लिया, ये इस तरह से हम लोगों ने एक यहाँ पे लेवल निकाल लिया। तो अभी बैंक निफ्टी का क्या हुआ ना कि इसके बीच में, जैसे ये देखिए इसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, इसके बीच में हम लोगों का व्यू क्या था कि हम लोगों का व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर आवरली चार्ट में ट्रेंड दिख रहा था। तो मार्केट का क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ सपोर्ट से या फिर कहीं बीच से भी ओपन हुआ और मार्केट ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे सेमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिया, यहाँ पे जाके इस तरह से इसने सेमेट्रिकल पैटर्न्स एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऊपर जाके। या तो इसके देखिए ये लेवल्स के ऊपर जाके, मान के चले कि इस लेवल्स के ऊपर जाके इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसके बीच में क्रिएट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसने ऊपर जाके सिमेट्रिकल क्रिएट कर दिया। तो हम लोगों का व्यू क्या था कि हम लोगों का व्यू था कि हम लोग यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोगों का व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे कि ये एक सेमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर सेमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, तो हम लोग इसमें कहाँ पे ट्रेड करेंगे, इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए क्योंकि हम लोगों का व्यू ऊपर का है, ज्यादातर तो हम लोग ऊपर ही जाएंगे, नीचे जाने का तो थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट जैसे देखिए मार्केट यहाँ तक आया, ये लेवल तक मार्केट यहाँ पे है लगे और मार्केट नीचे आ गया। यदि जो पीछे का जैसे देखिए अभी जैसे ये है ना, तो अभी हम लोग यहाँ से अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करेंगे तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है ऐसे कंडीशन में, हमें एंट्री कहाँ पर लेना है ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हम लोग अब एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा बनता है बहुत हम बनता है, मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, मैं डेली आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी और हिंदुस्तान का लेवल देता हूँ, तो उसमें मैं डेली आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखो ये बना था, ये इस तरह से बनेगा या इस तरह से बना, तो हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था और मैं लाइव चार्ट शेयर करता हूँ तो आप लोग देखेंगे लेवल्स वाले तो उसमें मिल जाएंगे। डेली हम लोग काफ़ी स्ट्रेटजी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये लेवल से अभी इंट्री कैसे हम लोगों को लेना है, ऐसा मान के चले कि सपोर्ट के ऊपर बन गया। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जो ये इधर से देख लीजिए आप लोग, ये पहला इधर इसने हाई बनाया, उसके बाद इसने एक लो क्रिएट किया यहाँ पे, उसके बाद वापिस से अगला लो यहाँ पे क्रिएट किया, वापिस से अगला लो यहाँ पे क्रिएट किया। अभी आप मान के चले कि ये लो नहीं, अभी ये ब्रेकआउट इधर से कर दिया। तो अभी ये नहीं कि आपका जो ये आपने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। एक तो आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं कि इसके ऊपर यदि जाता है और रिट्रेस कर लेता है तो फिर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपका एक मेथड होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर रिट्रेस करने से पहले मार्केट निकल जाता था, हम लोग उसमें कैसे एंट्री लें। तो उसमें एंट्री लेने के लिए आपको जो जैसे लास्ट लॉ होता है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम करिए, ये वीडियो कितना तारीख का है ये देख लीजिए आप लोग, ये स्ट्रेटजी ये आपको है ये आपको 10वां पार्ट है, तो आप एक काम करिए 9वां पार्ट को ना एक बार जाके देख लीजिए। ये इसमें आप राजीव आरसीएस लिखेंगे और 9 यहाँ पे 9 टाइप करेंगे, ये इस तरह से हच यहाँ पे राजीव आरसीएस और 9 यूट्यूब में हच लगा के, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो ये 9वां पार्ट में मैंने पूरा फुल इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज मैं 10 मिनट थोड़ा सा टाइम लेके भी और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन एक बार आपको जरूर वो वीडियो देख लेना चाहिए, आपको और भी अच्छे से इसमें डीपली जाना है तो, ठीक है ना, कहाँ पे बनता है क्या फॉर्मेशन वगैरह सब, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो अभी देखिए ये जो लास्ट लॉ होता है ये मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया लास्ट लॉ। तो ये जो जो लास्ट का ये जैसे मान चले कि मार्केट यदि नीचे ब्रेक करेगा, मार्केट यदि नीचे ब्रेक करता है तो आपको इसके नीचे होने, आपको इसके नीचे है, इसके नीचे आपको सेमेट्रिकल बन रहा है तो हम लोग नीचे सेल के लिए ट्रेड लेंगे, इसके नीचे ऐसे सिमेट्रिकल बन रहा है तो हम लोग नीचे सेल के लिए यहाँ पे जाएंगे, यानी कि हम लोग यहीं से सेल कर देंगे, हम लोग यहाँ से सेल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है।
इसके ऊपर जाएगा, जैसे अब इसके ऊपर यहाँ से इसने अभी देखिए मार्केट ये लो लगाया और ये लो लगाया, अभी देखिए ये एक लो है तो इससे ऊपर कौन सा हाई है, तो इससे इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो। लेकिन आप लोग एक बार थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब ये इसको हटा दीजिए कि ये लोअर लो हम लोग इसको हटा देते हैं, ये लोअर लो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो अभी देखिए पहला जो यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ है, हम लोग लोअर लो हाई को हटाते हैं। सबसे पहला आप लोग ये सोचिए कि पहली बार जब मार्केट ऊपर गया था तो ये एक हाई था, पहली बार जब मार्केट ऊपर गया था तो ये एक हाई क्रिएट किया था मार्केट ने, और वापस से मार्केट इस हाई के बाद ये देखिए पहला हाई यहाँ पे ये होगा, इस देखिए इसने स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो ये एक हाई हुआ, उसके बाद ये लो क्रिएट हुआ। तो अभी ये लो के मुकाबले में अभी जो इससे एक ये देखिए ये लो है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये एक लो है तो ये एक नंबर का लो है, और ये मैं नंबर देके समझा तो ये दो नंबर का लो है और ये तीन नंबर का लो है। अब क्या होगा, अब चार नंबर या फिर पांच नंबर जो भी क्रिएट होंगे वो उस तरह से लो क्रिएट होगा। तो देखिए हम लोग जब इसको कंसिडर करते हैं तो जो ये पहला लो होता है, ये फर्स्ट नंबर का जो सॉरी हाई होता है, तो इस हाई के हाई ये जब स्टार्टिंग होता है तो ये हाई कहलाता है, सिमेट्रिकल का ये हाई कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब लो क्रिएट हो जाता है इस हाई से लो, तो हम लोग इसको बोलते हैं लोअर लो कंडीशन। हम लोग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक्स भी हो सकता है लोअर लो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देखिए ये एक हाई था पहला है, और उसके बाद अब इस हाई के बाद एक लो यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे लो क्रिएट हो गया। अभी अब देखिए अब ये लो है, अब इस लो से भी एक लो क्रिएट हो गया, तो अभी वापिस से एक नया लो क्रिएट हो गया तीन नंबर पे। तो तीन नंबर का जो लो है इसके मुकाबले में तो ये हाई कहलाएगा, क्योंकि इसका ऊपर है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 35,929 का ये हाई का दिख रहा है, और इस लो का 35,916 का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ये प्रीवियस, इससे जो पिछला होगा ये वाला ये हाई होगा, किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये जो है ना ये वाला जो लो क्रिएट है, अब ये लो अपने पिछले हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब मान के चले कि मार्केट यहाँ पे था और यहीं से मार्केट इसको ब्रेक करता, तो पिछला हाई कौन सा था, पिछला है इसका ये था 35,929 का ये पिछला हाई था। अभी देखिए अब मान चले कि यहाँ पे मार्केट यहीं से नीचे आ गया, अब नीचे आ गया तो ये अब वापस से मार्केट ये इधर से ऊपर गया ये लेवल के आसपास, तो अभी पिछला हाई कौन सा हो गया, पिछला हाई ये बन गया 35,900 हो गया, क्योंकि मार्केट को या तो मार्केट को यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए या फिर मार्केट को यहाँ से जो है ऊपर चले जाना चाहिए। तो अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग कहाँ पे इसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो प्रीवियस लो होगा इसके इससे जो पहले लो क्रिएट हुआ होगा या इससे जो पहले हाई क्रिएट होगा उस हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इसके इसके पहले कौन सा हाई है, इसके पहले ये है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे भी एक मार्क कर लेते हैं, ये लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे 35,900 को मार्क कर लिया, तो 35,900 से पहले ये कौन सा हाई है इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में ये हाई कहलाएगा 35,916 का ये हाई इसके मुकाबले में कहलाएगा। तो अब हम लोगों का तो प्राइस अभी 35,900 के ऊपर है, हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड तो ले नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ से आके मार्केट वापस से नीचे आ जाए, तो ऐसा होता है बहुत मार्केट में। अभी इसी से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस हाई होता है उस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे मान के चलिए 35,916 को यहाँ पे ब्रेक किया तो जाके हम लोग यहाँ पे ट्रिगर होगा हम लोगों का एंट्री, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जस्ट हम लोग रिट्रेसमेंट जो होता है उसके नीचे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नीचे का रिट्रेसमेंट है उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, और ऊपर का जो हम लोगों का जो रजे वो हम लोगों ने अपने लेवल से टारगेट निकाले थे उस टारगेट के हिसाब से हम लोग उसको ऊपर का टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो आपका देखिए आपका यहाँ पे ट्रिगर कहाँ पे होगा, आपका ट्रिगर होगा यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे आपका ट्रिगर होगा। तो अब हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ से भी तो मार्केट नीचे आ सकता, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए इसको यूज करते हैं यहाँ पे हम लोगों का जो एक ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए मार्केट का जब आपका ट्रेंड ऊपर का होता है या फिर नीचे का होता है आवरली चार्ट में, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट कहीं पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर चल दिया है तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये एक आपका आवरली चार्ट का कंफर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे
यहाँ पे जो है आवरली चार्ज का देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है वही 9 वाले पार्ट्स में, या फिर 8 वाले मैंने आवरली चार्ज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखिए उससे हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाता है, और जो हम लोगों का जैसे लेवल निकालते, तो हम लोग किसे किसके बेस पे लेवल निकालते हैं कि एक मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे साइडवेज हो जाता है तो वहां से हम लोग ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड लेते हैं। हम लोगों का जो मेन ये रेंज होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका कौन सा होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका जो प्रीवियस हाई होता है वो होता है, और प्रीवियस लो जो होता है वो दोनों होता है। प्रीवियस जो हाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और प्रीवियस जो लो होता है यानी कि पिछला लो वो सपोर्ट का काम करता है। तो उसके बेस पे हम लोग अपना लेवल को वहां पे निकालते हैं। लेकिन हम लोग इंट्राडे में जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को जो मतलब जो अभी करंट का जो हाई और लो है उसको पकड़ के हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। जो करंट का मतलब क्या, जो अभी रनिंग मार्केट में चल रहा है। तो अभी मैं आपको लाइव एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे यदि ऐसा हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, अभी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना। अभी मान के चलिए मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अभी मान चले कि मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू, अभी देखिए मार्केट का मेजरली तो क्या है कि मार्केट का डाउन अभी चल रहा है, मार्केट अभी कंटिन्यू, तभी से मार्केट यहाँ पे गिरते जा रहा है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल करते जा रहा है। तो मार्केट एक्सपेक्टेड ये हो सकता है कि मार्केट एक बार ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से जा रहा है इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में ही शायद ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है, उसके बाद मार्केट में एक बाउंस बैक यहाँ से नीचे के लिए देखने को मिले। लेकिन अभी देखिए अभी कहना यहाँ पे मुश्किल, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग मान के चलिए हम लोगों का व्यू यहाँ पे ऊपर का होता, मान के चलिए यहाँ पे ऊपर का होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिमेट्रिकल यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, और हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर कहाँ पे होता, ट्रेड हम लोगों का यहाँ पे ट्रिगर होता ये लेवल के आसपास, यहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर होता इसके आसपास। क्यों यहाँ पे होता, तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर का व्यू होता तब हम लोगों का ट्रिगर यहाँ पे होता। ये देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से हाई लगाया यहाँ पे एक, और वापस यहाँ पे इसने यहाँ पे एक लो, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो सिंपल सा है कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसको यहाँ पे टच किया, हम लोगों का यहाँ पे ट्रिगर होगा, ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, हम लोगों का ऊपर का व्यू होगा, ऊपर का जो ये टारगेट होगा वो लेवल का हम लोगों का टारगेट होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो ये जैसे रिट्रेस कर रहा है, अब रिट्रेसमेंट के बाद लेंगे इस हाई के उधर ऊपर, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीका है ट्रेड करने का। तो ये आप लोग इंट्राडे में जब करेंगे ना, आपको इसके लिए लेवल निकालने के लिए आना चाहिए, और लेवल के ऊपर जब ऐसा होता है तभी जाके आपका बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। नॉर्मली आप जब किसी भागते हुए स्टॉक्स में कहीं बीच में जब इसको यूज करेंगे तो वहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखिए आप लोग, आपका जो आज के सुबह मॉर्निंग वाले टाइम में था, मॉर्निंग वाले टाइम में यहाँ पे क्या होता, मॉर्निंग वाले टाइम में आपका ट्रिगर यहाँ पे होता, आपका ऑर्डर ट्रिगर, मान चलिए कि मार्केट यहाँ से ये लेवल से ऊपर गया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और वापस से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो आपका ऑर्डर ट्रिगर ये लेवल के आसपास यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर होता। आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनता, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे ये लेवल के आसपास बनता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था ना, मैंने इसी के आसपास घर शॉर्ट कर दिया। तो अब इसके ऊपर मैंने क्यों शॉर्ट किया था, अभी दो सेटअप्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एक सेटअप तो आपका ये हो गया, आपका ये सेटअप हो गया, अभी ये सिमेट्रिकल टाइप से भी बनता है, तो ये आपका एक सेटअप हो गया, इसके बेस पे आप लोग कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर बनता है तो ऊपर का व्यू पकड़ के चलेंगे, इसके नीचे बनता है तो नीचे का व्यू हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, ठीक है ना। नीचे नीचे का व्यू हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, शॉर्ट करेंगे, आपको एक बार ट्रेंड पता होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए आप, अब जो दूसरा सेटअप है हम लोगों का, दूसरा सेटअप क्या है, दूसरा सेटअप क्या है मार्केट में, देखिए अब हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे क्यों किया था, अब ये वाले सेटअप्स का के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्यों इसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था इस रेड कैंडल पे। तो इसके बारे में मैंने काफी बार आप लोगों के साथ डिस्कशन भी किया हुआ है, आप लोगों के साथ में एक बार ऊपर का लेवल जो है ना इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर फ्रेश हो जाएगा चार्ट, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार मैं ये लेवल को भी, ठीक है, मैं इस लेवल के जगह पे जो है ना ये रिट्रेसमेंट लेवल भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था जो कल का ही है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ ना, ये इसके जगह पे ये ट्रेंड को भी मैं एक बार या फिर रहने देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, मैंने अपडेट भी कर दिया था, ये लाइन को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ,
और मैं इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मार्क कर देता हूँ। ये हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था इस कैंडल के जस्ट ऊपर, और टारगेट हम लोगों का ये लेवल का नीचे का ये था। देखिए पिन बना के यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट था, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगर क्या था मैंने ये रेड कैंडल पे, अब यहाँ पे क्यों ट्रिगर किया था ये देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों के साथ सिमेट्रिकल पैटर्न ग्रुप में शेयर किया, तो आपको लाइव देखना भाई तो एक बार तो आपको इसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप टेलीग्राम को भी, ये भी अपना टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसमें बहुत जल्दी अभी अपडेट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी निफ्टी का मैं इसमें अपडेट करूंगा, और दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके शेयर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, लाइक से और कमेंट से तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सच में देख रहे हैं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत जो है कुछ काम आ रहा है आप लोगों की, ठीक है ना। अभी 12 बजे मैं 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ इस मतलब मार्केट में, तो कोई आप लोगों को थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी अपना निभाइए, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे सेमेट्रिकल बना के देखिए आप लोगों को शेयर कर दिया था कि ये सेमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बन रहा है। तो सेमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेमेट्रिकल टाइप बन रहा है तो हम लोग तो सेमेट्रिकल के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर कर सकते थे। अभी इसके ये क्योंकि ये लेवल है हम लोगों का, और लेवल के इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है नीचे के लिए, तो यहाँ पे तो हम लोग ट्रिगर कर सकते थे ये लेवल के आसपास यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, दूसरा जो बात है मेन जो हम लोगों का यहाँ पे है, ये चीज़ मैंने आपको आवरली चार्ट में उस दिन समझाया हुआ था। अब आप लोगों को ये चीज़ फिर नहीं समझे होंगे तो ये तो मैं बता नहीं सकता कि आपका ये है कि आपने नहीं समझा इसको। देखिए ये है, ये जो है ना, ये आपको इस तरह से मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड भी दिखाया था कि आवरली चार्ट में एक ट्रेंड पे यहाँ पे मार्केट एक चैनल में यहाँ पे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वापस से इसको, ये तो आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट का चैनल में चल रहा था। अभी वापस से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोगों ने ये लेवल इधर निकाला हुआ था कि इस लेवल के नीचे मार्केट ने रिट्रेस करता था, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन ओपन करेंगे, ठीक है ना, इसके यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, जो मेजर यहाँ पे था, एक तो ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस था, और रजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में ओपनिंग वाले कैंडल में देखिए हम लोग काउंट तो यहाँ से करेंगे कि नीचे मार्केट कितना गिरा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ओपनिंग जहाँ से हुआ है मैं वहाँ से आपको काउंट करके दिखाता हूँ। मार्केट का यहाँ से ओपनिंग हुआ और जो 5 मिनट का पहला कैंडल है वो आप लोग देखिए, 5 मिनट का पहला कैंडल जो है वो लगभग लगभग 0.5% का यहाँ पे बना हुआ है। मतलब क्या, जो मार्केट जो है ओपन ओपनिंग पॉइंट से अभी 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग आधा, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर लगभग लगभग 0.5% का यहाँ पे एक सेल प्रेशर क्रिएट हुआ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट में सेल प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ 0.5% का, तो हर बार तो ये ऐसा कर नहीं सकता, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यदि आपको रेजिस्टेंस के अंदर हो, रेजिस्टेंस के अंदर ऐसा हो रहा है, सेल प्रेशर क्रिएट हुआ है बहुत हैवी मात्रा में, तो वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस के अंदर ऐसा हुआ है तो आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेवल से मार्केट का यहाँ पे जो है सेल प्रेशर यहाँ तक क्रिएट हुआ था, लेकिन मार्केट लगभग 0.5% के आसपास, 0.5% थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद मार्केट ये इसके आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है ये लगभग लगभग रेजिस्टेंस के ऊपर था। तो हम लोगों का ये देखिए, ये नीचे का जो है ना, ये हम लोगों का एक लेवल, ये हम लोगों का एक लेवल था कि इसके नीचे यदि मार्केट यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे नहीं, यहाँ पे नीचे का और भी लेवल था, ये लेवल के आसपास अगर ही होगा तो इसके नीचे जाता है तब हम लोग शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा था ये देखिए हम लोग, अब इसके मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर गया इतना हैप्पी सेल प्रेशर करके तो हम लोग यहीं पे शॉर्ट पोजिशन ओपन करने के देखेंगे, नहीं, जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं कर लेता है जहाँ पे हैवी सेलिंग हुआ है जिस कैंडल में, उसके हाई को जब तक ब्रेक नहीं कर लेता है, उसके ऊपर जब तक रिट्रेस नहीं कर लेता, तब तक हम लोग लेवल के बाद भी ट्रेड ऐसे कंडीशन में नहीं करते हैं। तो जब देखिए ऐसी सेलिंग प्रेशर आई हुई है कैंडल में 0.5% का, यदि इसके कैंडल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है, तब जाके हमें कंफर्मेशन होता है कि यहां पे बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से हैवी सेल प्रेशर तो आया लेकिन ऊपर खींचने की बहुत कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ऐसे कंडीशन में ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से शायद मैंने इसको समझाया भी था आप लोगों को। तो जब ऐसे जो हैवी कैंडल्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आए हुए जिस कैंडल में आए हुए होते हैं, ये चीज आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा जब आप लोग मार्केट में कुछ साल तक ट्रेड करेंगे, तब जाके आप लोगों को ये सब चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हैवी कैंडल होते हैं ना उसके ऊपर जब मार्केट रिट्रेस करता है जाके, तभी जाके हम लोग ट्रेड ऊपर के लिए ओपन करते हैं, नहीं तो हम लोग नीचे का व्यू क्रिएट करके चलते हैं। तो अभी देखिए
यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को कंपेयर करके इससे दिखाता हूँ। मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ तक आया और मार्केट यहाँ से क्लोजिंग तो इसी में दिया और मार्केट यहाँ से, जबकि मार्केट को ये लेवल से नीचे आ जाना चाहिए था। मार्केट यदि इसके नीचे आता और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करके मार्केट फॉल करता तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ओपन करते, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग ओपनिंग टाइम में भी शॉर्ट ओपन कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे लेवल्स के आसपास शॉर्ट ओपन कर सकते थे। अभी सेम कंडीशन वही बैंक निफ्टी में यहाँ पे हुआ है। अब देखिए बैंक निफ्टी में आधे परसेंट का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद आप लोग याद करिए, मैंने कैंडल के बारे में बताया था कि सेलिंग प्रेशर वाले कैंडल्स के अंदर जो है इसको ब्रेक यहाँ पे इसको इसके हाई तक टच नहीं कर पाया मार्केट ने। यहाँ से जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना 10 मिनट के टाइम लग गया इसमें, यहाँ तक इसको टच करने में 10 मिनट इसको टाइम लग गया, जबकि हमें हम ये भी सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ तक भी टच कर ले तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक व्यू पकड़ के चलते कि यहाँ बायर और सेलर दोनों एक्टिव है, इसके आसपास आ जाता मार्केट यहाँ तक तो हम लोग एक, क्योंकि इतना सेल प्रेशर था और फिर वापस से आधा परसेंट मार्केट नीचे से खींच देना, यहाँ से वापस से इतना से नीचे वापस से यहाँ तक आधा परसेंट खींच देना तो अपने आप में ये कहलाता है कि यहाँ पे बायर्स भी बहुत एक्टिव है और सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव है। एक सेकंड दोस्तों, तो यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव होता है और सेलर्स भी, तो इसको जब ब्रेक करके यहाँ पे इसको ब्रेक करके हाई को ब्रेक करके ऊपर रिट्रेस कर लेता है तो जितने भी जो लोग सेल करने वाले थे ना, जो रिटेल ट्रेडर्स, वो सारे रिटेल नहीं, मैं जिनको बोल सकता हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग यहाँ पे पुट लेने वाले थे वो लोग इस हाई के ऊपर रिट्रेसमेंट के बाद कॉल की तरफ वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में व्यू मार्केट का यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अब ये नहीं कि 100% जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर मार्केट यहाँ से चले जाता और यहाँ से मार्केट इस तरह से रिट्रेस करके ऊपर जाता 100% चले जाता, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 80% आपका चांस है कि यहाँ पे जीत होगा और 20% चांस है कि आप यहाँ पे लूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। 100% यहाँ मार्केट में कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 10 मिनट इसको लगा यहाँ तक जाने में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद मार्केट जो एक कैंडल बनाया ना, इतना बड़ा एक कैंडल बनाया, जो दो कैंडल था ना उस दो कैंडल को ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लिया, इसके ये दो कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को पूरा एक 5 मिनट का कैंडल ने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसी टाइम मुझे यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया मार्केट का कि मार्केट में जो है सेलिंग का एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। देखिए पहला जो रेड कैंडल बना, पहला रेड कैंडल को यहाँ पे दो कैंडल टच नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, और जो दूसरा रेड कैंडल बना एक ही 5 मिनट कैंडल, वापिस से 10 मिनट का दो कैंडल इसको ब्रेक यहाँ पे नहीं कर पाया। ये जो ये पिछले कैंडल था ना, इसको ये दो कैंडल मिलके भी इसके हाई को यहाँ पे, इस कैंडल के हाई को, ये रेड कैंडल के हाई को ये यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है और मार्केट का यहाँ पे, मेरा एक एक्सपेक्टेशन व्यू भी था कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे होने चाहिए। आवरली चार्ट का आप लोग लगा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा था, जो कि मैंने आवरली चार्ट का एनालिसिस आप लोगों को किसी वीडियो में, मैंने 6ठा या 7वां पार्ट में मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना, 6वां 7वां वो लेवल वाले पार्ट में। तो उसकी वजह से मैंने क्या करा, ये रेड कैंडल पे ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। इसी टाइम मैंने मेरे ख्याल से अपडेट भी किया हुआ था, ये देखिए थोड़ा सा मैं रुक के अपडेट किया था, ये रेड कैंडल मैंने इधर किया, मैंने इसको स्क्रीन शॉट भी लिया हुआ था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा जो है ना इंतजार कर रहा था, एक बार कंफर्मेशन हो लेते हैं उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको अपडेट करूंगा। तो ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद जब ये रेड था तब एक कंफर्मेशन और भी ज़्यादा हो गया कि ये जो कैंडल था ना, इसको भी ब्रेक मार्केट यहाँ पे नहीं किया, तो ये कंफर्मेशन हो गया था कि चलो ठीक है मार्केट अब यहाँ से जो है एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कंफर्म हो चुके थे यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये वाले कैंडल्स पे यहीं पे आपको शेयर कर दिया था ये चार्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये लेवल पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक था, अभी एक बार देख लीजिए, मैं इतना ये आप लोगों को रिस्क लेना नहीं चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बहुत एक्सपीरियंस, यदि आप 3-4 महीना इसके ऐसे सेटअप्स के ऊपर भी फोकस करते हैं तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाता है। आप बिना ऐसे ही करेंगे ट्रेड तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल था ना, इस ग्रीन कैंडल के लॉ को जैसे ही ब्रेक किया हुआ था तो मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया हुआ था ये लेवल के आसपास, और उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसी के ऊपर मैंने इधर लगा दिया था और टारगेट मैंने ये लेवल के आसपास इधर
लगा रखा था ये लेवल का। आज आज ज़्यादा मैंने वो किया नहीं, आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक हफ्ते से, मतलब ये सप्ताह जो है ना सही से ट्रेड नहीं किया, ये सप्ताह काम वगैरह सब चल रहा था। मैंने बहुत छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और उस पर मैंने ये लेवल का एक टारगेट रखा था, चलो ठीक है इतना मिल जाए मेरे लिए आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने सही से ट्रेड नहीं किया हुआ था ये सप्ताह में। तो मैं यहाँ पे जो है ना ये पोजिशन को मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, उसके बाद मैं निकल भी गया था, बीच में भी थोड़ा निकल गया था, उसके बाद ये कैंडल मैंने थोड़ा निकाला, उसके बाद ये कैंडल मैंने इधर निकाला था, उसके बाद मैं यहाँ पे अब बंद कर दिया, मैंने मतलब ट्रेड नहीं किया इसके बाद। उसके बाद फिर वापस से सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये लेवल पे, मार्केट इधर वापस से इसको ये इधर टच किया, ये लेवल को इधर मार्केट को टच किया इसको, यहीं पे मैं यदि होता तो मैं एग्जैक्ट इसी लेवल पे शॉर्ट मार देता, मैं ये लेवल पे इधर होता तो ये जैसे ही मार्केट ये लेवल को यहाँ पे टच किया है ये लेवल को, मैं एग्जैक्ट ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे मैं शॉर्ट मार देता और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगा देता, इसके ऊपर और नीचे का जो ये लेवल का पहला टारगेट मैं पकड़ के चलता, इस लेवल तक आता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता थी। तो दोस्तों ये एक होता भी, ये कंफर्मेशन होता हम लोगों को यहाँ पे, ये कंफर्मेशन होता ये जो लेवल था ना इस लेवल के नीचे मार्केट आया और यहाँ पे एक अच्छे से रिट्रेस किया और वापस से मार्केट ने किस तरह से रिट्रेस किया ये एम पैटर्न टाइप बना के, लेकिन एम पैटर्न इसको बोल नहीं सकते, यहाँ पे अप ट्रेंड टाइप इसने यहाँ पे बना के एक यहाँ से मार्केट ये लेवल से इधर से ये जो है सस्टेन किया और इधर से मार्केट इधर से ब्रेक दिया। तो ये थ्योरी तो मैंने, ये वाले थ्योरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ है वो वाले चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप लोग देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा तो उस वीडियो को जाके देखेंगे तो ट्रेंड के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेवल पे ना आप लगा यहाँ पे शॉर्ट होता, आप करते भी तो आपका शॉर्ट कहाँ पे होता, आपका शॉर्ट होता इसके नीचे, आपका ये शॉर्ट होता इसके नीचे, क्योंकि ये लो था लास्ट लो, तो आपका शॉर्ट इसके नीचे यहाँ पे आप कर सकते थे, इसके नीचे शॉर्ट करते तो आपका नीचे का टारगेट पहला टारगेट ये लेवल के आसपास का आपका यहाँ पे निकल के आता, स्टॉप लॉस आपका कहाँ लगता है यहाँ पे लगता, तो 1:1 आपको यहाँ पे भी कैप्चर हो जाता है, यहाँ पे भी आपको 1:1 देखने को मिल जाता है ये लेवल से आपका 88-89 पॉइंट का, और आपका लगभग लगभग ये देखिए मार्केट 88-90 पॉइंट का व्यक्ति, तो ये लेवल तक का आपका यहाँ पे टारगेट आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये देख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में हम लोगों को किस तरह से ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए और किस तरह से हमें अब्जॉर्ब करना चाहिए मार्केट को और किस तरह से हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद वापिस से मार्केट उसी जगह पे आ गया। आप लोग देखिए यहाँ पे वर्क तो नहीं किया डब्ल्यू पैटर्न, जबकि डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ पे वर्क करनी चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ तक हाई लगाना चाहिए ऊपर, लेकिन ऐसा वर्क नहीं किया। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पैटर्न्स जो भी चीज़ होते हैं ना ये ऐसे वर्क नहीं करते हैं कि आपने कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न सीख लिया, सेमेट्रिकल सीख लिया, हेड एंड शोल्डर सीख लिया, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज सीख लिया, तो वो पैटर्न्स जो है ना दोस्तों वो पैटर्न्स हर जगह पे वर्क नहीं करते हैं। आपने कैंडल स्टिक सीख लिया, आपने ये सीख लिया, कैंडल स्टिक्स भी काफ़ी लोग सीख लेते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा वर्क ही नहीं करता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, आपको 6 महीना टाइम देते हैं या फिर 1 साल 2 साल टाइम देते हैं, आप खुद से रिसर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ देखेंगे जो चीज़ आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा। हाँ, आप यदि किसी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसने गलती करा हुआ है, उसने एक्सपीरियंस करा हुआ है और उस चीज़ के बेस पर हमने यहाँ पर ट्रेड किया और मैंने यहाँ पर लर्निंग ले लिया उस आदमी का, तो वो एक अलग चीज़ यहाँ पर होता है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे कंडीशन से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन में आप लोग यहाँ पे जैसे मान चले कि यहाँ तक आए, इतना फॉल किया, उसके बाद फिर आपने ये डब्ल्यू पैटर्न समझ के ट्रेड किया, तो ऐसे कंडीशन में आप जिसने इधर ट्रेड लिया थोड़ा बहुत उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, तो ऐसे कंडीशन में ना ट्रेड थोड़ा सा बच के करना चाहिए। अब मान के चलिए मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल नहीं आता, फिर मॉर्निंग टाइम में आपको, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लॉजिक समझाऊंगा, ये बाद में मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए। और ये मतलब अभी तो मैंने ये बता दिया कि ओपनिंग टाइम में इस तरह से आपको ऐसा ये फॉर्मेशन वगैरह सब दिखता है रेजिस्टेंस के आसपास, तो आप लोग यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग यदि लेवल निकालने के लिए जानते हैं, लेवल आपको आता है, लेवल मैंने बताया फ्री ऑफ कोर्स, मैंने इतने सारे नॉलेज आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को इतने सारे नॉलेज यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये लेवल में आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे व्यू ऊपर का है तो बाय कर सकते हैं और इसके नीचे आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, व्यू आपका सिमेट्रिकल बनता है यहाँ पे तो इसके नीचे आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपका। यदि इसके यहाँ पे एम पैटर्न बन जाता है तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, इसके लो के नीचे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
सकते हैं, आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। 1:1 आप रखेंगे तो भी आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा, जो कि एम पैटर्न्स आपको यहाँ पे आप इसको कंसीडर करके चलेंगे तो आपका यहाँ पे ये लेवल से यहाँ तक मार्केट हाई लगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न्स बनाने के यहाँ पे कोशिश किया और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो ये कंसीडर यहाँ पे ये कंडीशन ऐसा यहाँ पे क्रिएट होके आया, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान के चले कि ऐसे ये मान के चले बार बार ये कैंडल कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा है, कंटिन्यू रेड कैंडल बन रहा है, तो हम लोगों को जब मार्केट कंटिन्यू रेड कैंडल बना दे ना, तो ऐसे कंडीशन में या कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना दे, तो ऐसे बीच में नहीं घुसना चाहिए, ऐसे बीच में नहीं घुसना चाहिए। अभी ये फॉल को आपको कैप्चर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको मान चले कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिस हो गया, इतना आपने मिस कर दिया, तो अब आपको ये नहीं करना कि मैं इसके नीचे या फिर ये लेवल आए तो इसके नीचे मैं घुस जाऊँ। आपको क्या करना है ना, एक रिट्रेसमेंट का यहाँ पे इंतजार कर लीजिए। यदि आप यहाँ पे करेंगे ये लेवल पे, तो इसके थोड़ा नीचे इसके आसपास आएगा, आ सकता है मार्केट, और यहीं से एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे ले सकता है मार्केट। यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेगा, तो आपका जो होगा ना वो पैनिकनेस बढ़ जाएगा। आप क्या सोचेंगे कि अरे यार यहाँ पे मैंने लिया और वहीं से मार्केट ऊपर चले गया, तो वो क्या होता है ना कि वो एक होता है जब कंटिन्यू मार्केट फॉल किया तो एक रिट्रेसमेंट होता है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बाद में समझाऊँ, या फिर कंटिन्यू मार्केट चला तो ऐसे कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। तो आपको या तो रिट्रेसमेंट के आसपास उसके आसपास आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे बहुत ही छोटा एक रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे मान चले मार्केट देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक गिरा, देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक गिरा, अभी इसके बीच में किसी ने इसके आसपास लिया होगा, देखिए अभी इसके आसपास किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो क्या हुआ होगा उनका जो है पैनिकनेस यहाँ पे बढ़ गया होगा। पैनिकनेस मतलब क्या कि ये लेवल से मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो ऐसे कंडीशन में ना आप लोगों को ऐसे कंडीशन से बचना चाहिए कि मार्केट कंटिन्यू जब ग्रीन कैंडल बना रहा हो तो ऐसे सॉरी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, तो आपको नहीं करना चाहिए ट्रेड। अब मार्केट एक बार रिट्रेस कर रहा है तो जाके उसके बाद आप करिए, उसके बाद आप शॉर्ट करिए, या उसके बाद आप करेंगे ना तो फिर एक कंफर्मेशन होता है, या तो इसके लो को ब्रेक करने दीजिए, इसके आसपास आने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट करिए यहाँ पे। जैसे ये देखिए अभी मान चले कि किसी ने ये लेवल पे कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो अभी उनका क्या हुआ होगा, उनका पैनिकनेस यहाँ पे बढ़ गया। अब उनको क्या हो रहा होगा, उनको डर लग रहा होगा कि अरे यार मार्केट तो यहाँ से नीचे जा रहा था अभी, कितना अच्छा, अब मेरी बारी आई, मैंने यहाँ से देख रहा था, वो यहाँ से देख रहा था, अब मेरी बारी आई तो मार्केट क्यों ऊपर जाने लगा। तो वो यहाँ पे होता है कि आप एक बार जब मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे अच्छे से, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तब जाके आपके पास एक मतलब एक समझने की यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कब कर सकते हैं, हम लोग जब मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड करने का। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, एक दो कैंडल तीन कैंडल बना के उस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं तब जाके हम लोगों को एक व्यू क्रिएट होगा कि चलो ठीक है हम लोग इसके नीचे ट्रेड करेंगे। तो हमें एक 1:1 का ही यहाँ पे आपको टारगेट रखना है, ऐसे कंडीशन में 1:1 का ही टारगेट रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को दोस्तों आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंडीशन में लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, उनका स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या फिर स्टॉप लॉस लगा देते तो जल्दी हिट हो जाता है, या फिर कोई गलती हो जाती है रिट्रेसमेंट वगैरह सब पे। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को देखिए कितना अभी देखिए आपके सामने मार्केट कितना ऊपर खींच दिया, तो यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड का भी सपोर्ट था, लेकिन काफी लोग यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, यहाँ पे पुट लिया होगा, काफी लोग इसके नीचे सोचेंगे कि राजीव सर ने बताया तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। नहीं, ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना। अब राजीव सर ने आपको क्या बताया उसको आप लोग जब गौर करेंगे, आप लोग दो बार तीन बार देखेंगे वीडियो भी जाके, तब जाके आपको समझ में आएगा कि राजीव सर ने यहाँ पे क्या बताया, ठीक है ना। आप लोग कहीं भी जाके बाय कर लेंगे, कहीं भी जाके शॉर्ट कर देंगे, तो उसमें आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा और आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। मार्केट में ट्रेड ऐसे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है इसकी, अब यहाँ पे इसकी बात आती है कि मार्केट देखिए ये लेवल से मार्केट यहाँ पे सिमेट्रिकल, मैंने बोला भी था ये लेवल के आसपास मैं ट्रेड लिया तो नहीं था, लेकिन हम मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने चाहिए था ये लेवल के आसपास। मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो ये लेवल का स्टॉप लॉस एक रखता और ये लेवल के आसपास 1:1 मैं इसमें कैप्चर करने की कोशिश करता, लेकिन थोड़ा सा मैं रुक गया था इसके कारण, मैंने बोला कि नज़र पे रखो इसको। बाद में इसमें भी सिमेट्रिकल बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी में मेन था कि बैंक निफ्टी में अपना है जो स्कोप है बैंक निफ्टी का है, तो यहाँ पे बाद में जो है यहाँ पे ये लेवल पे यहाँ पे मार्केट फॉल किया, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, इसमें कोई ज़्यादा वो खास नहीं था निफ्टी का, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था, ये लेवल के अंदर ही थे, मतलब ये लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था और इसी लेवल के अंदर एम पैटर्न बनाया। तो आप लोग जैसे ये देखिए जैसे एम पैटर्न बनाया, तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने
आपको यदि फॉल किया आपके लेवल या तो लेवल के ऊपर या आसपास यहीं पे यहाँ पे बनता है, तो इसके आसपास आप यहाँ पे ये लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यदि इसके नीचे करते तो भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलते ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास यहाँ पे यदि शॉर्ट करते आप अपने लेवल के नीचे भी आप यहाँ पे शॉर्ट करते आपका स्टॉप लॉस बनता लगभग लगभग 17-18 पॉइंट का, और आपका टारगेट यहाँ पे 17-18 पॉइंट का, यहाँ पे आप 1:1 कैप्चर करते तो 1.5 का आपका यहाँ पे आरओआई निकल के आ जाता, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेड देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। बिना मेहनत के मार्केट में जो है कुछ नहीं होता। देखिए मार्केट ने ये कैंडल बनाया, देखिए यहाँ तक इसने खींचा और काफी लोग ऐसे पैनिक में निकल गए होंगे। अब यहाँ पे पैनिक में निकला काफी लोगों ने, अब वापिस से यहाँ पे मार्केट देखिए रेड कैंडल बना दिया, उसी को मार्केट ने यहाँ पे रेड में कन्वर्ट कर दिया। जो यहाँ पे अपने लोगों के सामने भी ग्रीन कैंडल बन रहा था उसी को रेड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, पैनिकनेस बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा पैनिकनेस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जब ग्रीन कैंडल वगैरह सब बनता है तो, ठीक है ना। तो इसलिए नए लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, बाकी पुराने लोगों को तो ये चीज पता होता है बाकी सारे लोगों को। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ, हिंदुस्तान में यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करता तो हम लोग ऊपर का व्यू पकड़ते, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया, इसके ऊपर गया और यहाँ पे जो वही फॉर्मेशन इधर क्रिएट कर रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर, सस्टेन सिमेट्रिकल, सस्टेन सिमेट्रिकल, इसको ब्रेक करता तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे जरूर पोजिशन ओपन करने की कोशिश करता। यानी कि देखिए हर चीज का एक एक्सपीरियंस होता है, इसका तो मेजरली ट्रेंड वैसे भी डाउन है, अभी देखेंगे आप लोग डेली चार्ट लगा के तो इसका डाउन डाउन है। यदि ऊपर जाता तो यहाँ पे हम लोग रूल्स के साथ ही हम लोगों को जाना पड़ता, ये देख लीजिए। और बैंक निफ्टी सबका ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी सबका अप ट्रेंड है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आवरली ट्रेंड, बस एक आपको एक्सपीरियंस चाहिए वहां पे आपका ट्रेंड व्यू का। तो बैंक निफ्टी सबका क्या है, ट्रेंड अप था यहां पे, तो एक व्यू यहां पे हम लोगों को ये भी क्रिएट होकर निकल आता है कि हमारा ट्रेंड्स क्या है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आवरली चार्ट को सबको एनालाइज करना पड़ेगा, कहां रिट्रेसमेंट हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से यहां पे ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड करना नहीं चाहिए आपको सीखना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान का तो बहुत ही मतलब ये चार्ट डाउन में था, तो हम लोगों को ऐसे कंडीशन में, तो डाउन में ऐसे में ट्रेड देखना चाहिए, अप में तो ट्रेड देखने ही नहीं चाहिए ऐसे ऐसे कंडीशन में। लेकिन जब रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह सब यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये ट्रेंड भी था, ये ट्रेंड जो था ना इस ट्रेंड को लगभग लगभग इसने टच किया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे भी आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपने नहीं भी किया तो बहुत अच्छी बात है। या तो हम लोग इसके नीचे करेंगे या फिर इसके ऊपर हम लोग करेंगे, हम लोगों का एक ही व्यू है। उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे अच्छे से बनता और रिट्रेसमेंट करता तो ही जाके हम लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन करते ऊपर के लिए। तो दोस्तों ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ये सेटअप्स वगैरह सब किस तरह से हम लोगों को करना है और किस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को रूल रेगुलेशन ये सारे चीज को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप जब रूल को फॉलो नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब आप लोग क्या करिए दोस्तों, एक मेरे लिए यहाँ पे एक चीज आपको कर एक काम जरूर करिए, आप इसको आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक दो बार आपको समझ नहीं आया थोड़ा कहीं कहीं, तो आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट्स है। और उसके बाद दोस्तों एक लाइक जरूर करिए और एक कमेंट करिए कि आप लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं वो मुझे पता चल जाएगा उससे, कितने लोग देख रहे हैं। और लाइक आप लोग करिए और दोस्तों शेयर जरूर करिए, शेयर करने से क्या होता है ना, इससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। काफ़ी लोग हैं जो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों ने लास्ट साल देखा तो मैं उनकी तो अभी तारीफ भी क्या करूँ, वो लोग बहुत मेहनती हैं, क्योंकि यार लोग तो 90% लोग तो बीच में या फिर आधे छोड़ के भाग जाते हैं उधर से ही, तो ऐसे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मेहनती हैं, आपके अंदर मेहनत कर आपके अंदर जो है ना पेशेंस भी एकदम बिल्डअप होगा एक दिन। मुझे पता है कि पेशेंस शुरुआती दौर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इंतजार टेंशन मत लीजिए, आपके अंदर पेशेंस भी बिल्डअप होगा, आपका ट्रेड यदि गलती हो रहा है जिन लोगों का, आपका ट्रेड भी सुधर जाएगा। आपको कहीं भी आपने जो ट्रेड मार दिया या फिर ज़्यादा ट्रेड कर दिया वो सब धीरे धीरे आपका सुधर जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाइए क्वांटिटी वगैरह सब, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल मार्केट बंद था इसलिए मैंने सोचा अभी लाइव मार्केट में ही जो हम लोग अभी मैंने ट्रेड नहीं किया, ये ट्रेड करने के बाद मैंने वापस से यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, जबकि सेटअप बना हुआ था। लेकिन दोस्तों ज़्यादा वो भी नहीं करना चाहिए कि बार बार हम लोगों को ये जहाँ ज़बरदस्ती भी नहीं घुसना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मिले ना वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए मार्केट से, जितना मिले जो मिले आपको एक्सेप्ट करके मार्केट में यहाँ पे चलना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे, जय माता दी, जय हिंद, फिर मिलेंगे हम लोग।